अब सारी बन गई है दोस्तों, थोड़ी सी बची है बस। ये देखो इसका कलर भी, ये तो लगता है पहले वाला है। और ये देखो इसका कलर, ये भी तो फर्स्ट क्लास बना है और बहुत क्रिस्पी भी है। देखो क्या कर रहे? तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये कोई राइफल या बंदूक नहीं है, AK-47 नहीं है, डरना मत। इससे आज मैं कुछ बनाने वाला हूँ, तो वही आगे ब्लॉग में आप बने रहो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या बनाते हैं। तो सॉरी बोलना भूल गया था, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज कुछ खास बनाने वाले हैं, स्नैक्स टाइप का। और ये बड़ा अजूबा सा सालू लेकर आई अपने घर से, देखते हैं ये क्या करता है और क्या बनाता है, आपके साथ शेयर करते हैं। चलो तो दोस्तों आज हम आपको बनाएंगे चावल की चकली। चावल की चकली स्नैक्स जो होती है, क्रिस्पी कुरकुरी, चाय के साथ शाम को खाओ, सुबह खाओ, जब मन आए तब खाओ। भूख लगती है, लड़ाई होती है घर में, कोई खाना ना दे, चकली खाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगी फटाफट कैसे बनाना चकली, बट उसके लिए तो ये मशीन चाहिए है। और ये देखो साचा इसका, इसके लिए इधर देखा, इधर ये वाला सांचा चाहिए, ये स्टार टाइप में है, ठीक है? और ये हमारी मशीन है चकली बनाने वाली, ठीक। और मैं वैसे तो लाई थी नमकीन बनाने के लिए, बट अब जो है वही है, कुछ बना के रखना भी तो पड़ता है, भूख लगती है खाने के लिए। तो चलो इसको पैन में पहले तो आटा के अकॉर्डिंग पानी डाल लो, ठीक। घी चकली, बटर चकली भी होती है। अगर आप इसमें घी की जगह बटर डाल दो, इसमें अगर आप बटर डाल दोगे ना तो बटर चकली। मैं यहाँ डाल रही हूँ घी चकली। और अगर तेल डालो दोस्तों तो तेल चकली, पानी तो पानी चकली, ठीक है। और ये मसाले निकालने क्या तुमने? अब आ जाओ इधर, देखो पानी खोलने लगा, खोलने इसमें लगा। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है। और ये हमारा हो गया नमक, ओके। लाल मिर्च थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, थोड़ा सा हल्की सी और डाल दूं, मेरे पास खत्म हो गई है ना, ठीक है। ये हो गया पानी खोलने लगा, ऑयल और घी डाल दो उसके अकॉर्डिंग। और अब हम इसको डालते हैं, चलो इसको अच्छे से हमें गरम पानी में बिल्कुल एकदम से मिक्स करके मिला लेना है। पानी कम लिया क्या यार, थोड़ा पानी और देना जरा। मैं गरम पानी में ही करना दोस्तों, मेरा पानी कम गया, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं भी बना ही रही हूँ, कितनी हैबिट नहीं है मुझे। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको सब इसमें, चावल में थोड़ा गरम है, मैं इसको थोड़ा सा शांत होने रख दूंगी, फिर मैं हाथ से पूरा मिलाऊंगी। ये देते हैं यार, इसमें भूल गया दोस्तों, अब इसको गंदा होगा तो होता रहेगा। इसमें जीरा डाल देना पानी में ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना इसमें टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आटा जैसे बना लो इसका। बस अब इसको ऑयल लगा के हमें रख लेना है बढ़िया से, और अब हम इसको दो टुकड़ों में काट के बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा मीडियम तेल होगा, तेल खत्म हो गया क्या? तेल ही खत्म हो गया बताओ, तब तक हम ये मशीन में डालते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो अभी ले लो ना, अभी इतना गर्म नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें चारों तरफ से हो सके तो लगा लो, नीचे मशीन है उसी को नीचे कर दो। ये देखो, ये
ये देखो दिस इज कॉल्ड मशीन। और अब हम इसमें जो लिया है हमने इसको पतला करके इसमें डालेंगे। अब डालू तो मिलते हैं। इसमें भी तेल लगा लो अच्छे से, ठीक है। यदि बंदूक मिलती कहाँ वो तो बता दो, ये मिलेगा कैसे लोगों को? दुकान में और कहाँ मिलेगा, नमकीन बनाने वाला है। ये देखो, हाँ दूर से दिखाओ यार तुम कैमरे में। ये देखो, हाँ ठीक है ठीक है। अब इसको हम बंद कर रहे हैं। अभी हमको इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा, चिपके ना जिससे हमारा। इसी में मैं रखूंगी, चलो मैं दिखाती। अरे मैं बनाती ना यार, आप दूसरा बनाओ ना। ऐसे करना है और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल, जितना इससे पता है गोल कम निकलेगा दोस्तों। आप एक और आता मशीन उससे थोड़ी ज्यादा निकलता है। अभी मैं तो सिर्फ टूट गया, अभी मैं जितना हो सकता है ना उतना निकाल रही हूँ। इसमें ब्रेक मत लगाना, नहीं टूट जाएगा, जैसे मेरा लग गया ब्रेक, ठीक है। अभी टूट ही गया है, देखो मैं जोड़ दूंगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो सुई धागा के साथ सिल दियो, अगर टूट जाए तो ये देखो, ठीक है। मैंने नीचे वायर लगाया है तो ये इजिली मूव हो रहा है ऐसे। ये तीन चकली हो गई, कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, मीडियम हो रहा है हमारा ऑयल तब तक। चलो तब तक मैं बाकी बना लेती हूँ। आपको कैसा लगा था, आप अपने तरफ कैमरा करके बताओ। जब लास्ट टाइम दोस्तों जो लास्ट टाइम सालू ने बनाया था ना, वो तो बिल्कुल जबरदस्त लगा था। मैंने मार्केट से खरीद के हालांकि पहले खाई है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने का। मैं तो फटाफट खा के खत्म कर दिया था, इतना नहीं बनाया था इसने लास्ट टाइम, थोड़ा ही बनाया था, बट वो काफी अच्छा था। अपना आज का देखता हूँ कि आगे कैसे बनेगा। दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा जलेबी की तरह दिखता है। अब इसमें चीनी डाल देंगे तो ये मीठा हो जाएगा, और नमकीन डाला है तो ये नमकीन हो जाएगा। यार उस दिन बहुत बढ़िया बना था, लगता मैंने ना घी कम डाला है, इसी से ये ब्रेक हो रहा है। पर देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब बिगड़ रहा है ना मैं उसको सही कर लूँ। मैं सारी पूछो को देखो, तेल हो चुका सालू गर्म। आप थोड़ा ऑयल और पानी ज्यादा कर लेना, मेरा थोड़ा आज गड़बड़, उस दिन बहुत बढ़िया था सब। चलो इतने सिरा लेते हैं, तब तक इसमें ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो बंद कर सकते हो आप। मैं एक एक करके हो गया, हो गया। स्वेट हो गया थोड़ा, हम दोनों की हालत अब खराब है। अब इसे हम होने देते हैं, इसको बिना छेड़े थोड़ी देर के बाद पलटूंगी मैं। जब हल्का ब्राउन हो जाए ना दोस्तों तब ब्राउन इसको तो नहीं, ब्राउन तो नहीं, वो ब्राउन नहीं होता चावल का आटा, वो तो मैंने मसाले डाल दिए थोड़े बहुत, इसलिए हो गया। अच्छा। जीरा जरूर डाल लेना जो मुझे भूल गया था, और इसे मीडियम एकदम मीडियम में ही रखना है। इसको धीरे धीरे पकने देना है, जल्दीबाजी नहीं करना वरना कच्चा रह जाएगा, सॉफ्ट रह जाएगा। इसको आराम से छोड़ दो डाल के मीडियम आंच में। चलो अब इसे निकालते हैं, और एक आप खा के भी दिखा देना। अभी गर्म बहुत है यार। तो दोस्तों काफ़ी पसीना डूब गया है राजीव, गर्मी गर्मी से, और जल्दी ब्लॉग ख़त्म करने के लिए बोला कि अभी मैं दिखा दूं। ये उल्टा खा के दिखाता हूँ दोस्तों, ये बना कैसा बनाना, जितनी मेहनत लगी है ना बताओ। एक खाओ, हाँ अभी थोड़ी सी ना वो होगी, आवाज़ तो आई, क्रिस्पीनेस की आवाज़ तो आई, दिखाना ज़रा। ये देखो पक गया अंदर से स्लो मोशन में, ये चकली हो कैसी है टेस्ट में, नमक वमक
देखो आवाज आ रही है ना दोस्तों पत्थर जैसी, ऐसे ही आवाज आनी चाहिए चकली के लिए। तो ऐसे ही आप बनाओ। मेरा ये अभी सब बचा हुआ है तो मैं भी जा रही हूँ बच्चे कुछ बनाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी है, हम इसी कारण बना नहीं पाते दोस्तों ब्लॉग। तो आप भी ट्राई करो ये चकली घर में, और स्लो मोशन में ही पकाना है इसको। मैंने थोड़ा ज्यादा पका दिया है, बट आप मत पकाना, बहुत क्रिस्पी है यार। थोड़ा नीचे करो। चलो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू बाय, टाटा गुड नाइट। अब सारी बन गई है दोस्तों, थोड़ी सी बची है बस। ये देखो इसका कलर भी, ये तो लगता है पहले वाला है। और ये देखो इसका कलर, ये भी तो फर्स्ट क्लास बना है और बहुत क्रिस्पी भी है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ के दिखा रहा हूँ खाना है मुझे, तोड़ के तो खाना है।